तो फ्रेंड्स फाइनली आखिरकार मैं अपने घर में BSNL का ब्रॉडबैंड लगवा लिया हूँ। और आखिरकार मुझे कितना टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम लग गया मेरे दोस्त, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भैया की मशीन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, जो वायर जोड़ने वाली मशीन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन हाँ आखिरकार लग गया, इस बात की खुशी है। चलिए मैं आखिरकार आपको बताता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको देखने के लिए यहाँ पर ग्रीन लाइट इसके अंदर दिख रही होगी मेरे दोस्त, ग्रीन लाइट अगर इसमें जल रही है तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पर दो तरीके की लाइट चलती है, एक ग्रीन एक रेड। अगर रेड चल रही है तो इसका मतलब यह कि लाइन में कहीं पे ब्रेक डाउन है और कहीं पे वर्किंग पीरियड में, या फिर कह सकते हो किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। तो मेरे दोस्त कनेक्शन का भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा कनेक्शन लेता है तो आपका ये जो राउटर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, सिंपल में कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर यार इसका जो वायर है वो जोड़ रहा था, नहीं कह सकते इसका जो प्लग है वो मैं ये वाला प्लग इसमें लगा रहा था, तो बड़ी तेजी से आप देख पा रहे हो कि मैंने अपना ये पूरा का पूरा स्विच तोड़ दिया है। वो भी कह सकते हैं यार ये बेवकूफ़ी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके लिए फिर मैं मार्केट से एक नया प्लग लाया हूँ, आपके सामने आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑफ प्लग्स इसमें क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मोबाइल चार्जर का लगा हुआ है और ये मेरा जो है ब्रॉडबैंड का लगा हुआ है, ये बीच वाला कह सकते हैं ये वाला ब्रॉडबैंड का है और ये मेरा लैपटॉप का है। तो सिंपल हमें कह सकते हो यार कि मैं यहाँ पे पूरी तरीके से मेरा कनेक्शन सेट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार मुझे स्पीड कितना मिल रही है। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो मैंने BSNL का ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है उसके बेसिक प्लान पर मुझे कितनी स्पीड दे रहा है, बहुत सिंपल वे में आज की वीडियो में आपको लाइव बताने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। फ्रेंड अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मेरे एरिए में मेरे यहां पे जो मैंने ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है BSNL का मुझे कितनी स्पीड मिल रही है, मैं आपको लाइव बताने वाला हूं मेरे दोस्त, इसलिए बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको आपका गूगल क्रोम आपको यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ सिंपल में। और यहाँ पे अब मैं जाता हूँ वेबसाइट पर, स्पीड टेस्ट वाली वेबसाइट पर सिंपल में कह सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ स्पीड टेस्ट पर, सिंपली मैं यहाँ पर टैप कर दूँगा। फ्रेंड मैं उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने यहां पे जो है BSNL का बेसिक प्लान लिया हुआ है जो कि 30 MB/s वाला है। 449 रुपये का जो प्लान है मैं वो लिया हुआ हूं, हालांकि मैं नया नया लगवाया हुआ हूं, इसलिए मैं यहां पे मेरा जो बिल है वो हमेशा पोस्टपेड आएगा। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो बिल हमेशा पोस्टपेड आएगा जब आप अपना BSNL का कोई भी आप लगाओगे यहाँ पर सिंपली में कह सकते हैं। तो यार देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं, हालाँकि आपको जो है पैसा पहले ही देना पड़ता है, कह सकते हैं कि जो आपका लगाने वाले जो आते हैं आपका जो इंस्टॉलमेंट वाले आते हैं वो लोग बाग पहले ही आपसे पैसा ले लेते हैं रिचार्ज का 449 रुपये का, लेकिन आपका जो बिल आएगा वो अगले महीने से आपका काउंट होना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्त आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार मेरे एरिए में, मेरे झांसी में, मेरे लोकल एरिए में कितनी स्पीड मुझे मिल रही है मेरे BSNL ब्रॉडबैंड की। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रन स्पीड टेस्ट, सिंपल है मैं आपको रन स्पीड टेस्ट पर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्त मैंने यहाँ पे जो मेरा प्लान है वो कह सकते हैं कि 30 MB/s का है, किंतु मुझे यहाँ पे जो है 40 MB/s डाउनलोड स्पीड मुझे मिल रही है। यानी कह सकते हो कि जो आपका प्लान होता है वो ब्रॉडबैंड हमेशा उससे बढ़कर ही आपको स्पीड देता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरी थोड़ा सा मतलब जो है कोई मिस्टेक हुआ होगा कह सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको दोबारा से मतलब जो है करता हूँ क्योंकि मेरा ये दोस्त मेरे लैंडलाइन से कनेक्टेड नहीं है, ये मेरा पूरा का पूरा वाईफाई से कनेक्टेड है सिंपल है। चलिए मैं इसको टेस्ट अगेन करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि इतनी ही है स्पीड, 40.5 MBPS जो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है। और सिंपल ये मैं कह सकते हो अपलोडिंग स्पीड थोड़ा सा कम हो सकती है, वेरिएशन में आ सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 32.5 MB/s आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, यानी कह सकते हो यार कि ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल में बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यार देखिए अगर आप अपना जो है 30 MB/s वाला जो बेसिक प्लान BSNL का होता है अगर आप वो रिचार्ज करवाते हो तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 40.5 यानी कह सकते हो कि 40.5 MB/s डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है और यहाँ 32.5 आपको अपलोडिंग स्पीड मिल रही है, यानी कह सकते हो कि आपको यहाँ पे कम नहीं मिलेगा। चलिए आपके तसल्ली के लिए मैं एक बार और इसको ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो
फ्रेंड देख पा रहे हैं कि अब जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो आपकी 41 MB/s है, और यहाँ पे अब आपकी जो अपलोडिंग स्पीड है उसको भी कैलकुलेट कर रहा है, सिंपल वे में कह सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि 32 MB/s, यानी कह सकते हो कि ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन की वजह से अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अंडर द कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इस लाइन पर, इसलिए थोड़ा सा ही अपलोडिंग स्पीड में थोड़ा सा कह सकते हैं इशू आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत यार बेहतर है। वो इसलिए बहुत है क्योंकि अपलोडिंग स्पीड आपने जो प्लान लिया हुआ है वो 30 MB/s का लिया हुआ, यानी कह सकते हो कि 30 MB/s का वहाँ लिखित रूप में है, लेकिन आपको 32 MB/s दे रहा है तब भी आप फ़ायदे में हो। तो यार मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई और सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि यार आप BSNL का ही चुनिए। वो इसलिए क्योंकि यार देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि मुझे यहां पे कोई पैसा नहीं मिला है BSNL, ना ही मैं कोई ऐड कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्पीड टेस्ट करके बता रहा हूं आपका, और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार ये सरकारी कंपनी है, इसको आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।